Okay, the next question is, a coil spring is made of wire of diameter 15 mm. The mean coil diameter is 150 mm. The spring contains 24 turns. A sudden falling load of this 200 N compresses the spring by this 100 mm. Calculate the height from which the weight has fallen. Take G equals to 9 into 10 power 4 Newton per mm square. तो देखो इस क्वेश्चन की सिचुएशन क्या है कि आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है? Let me draw the situation. ठीक है, आपके पास मान लो कि एक स्प्रिंग है, ठीक है? इस स्प्रिंग के स्प्रिंग का जो वायर का डायमीटर है वो स्मॉल d, ठीक है, वो आपके पास 15 mm है, ठीक है? द मीन कॉयल डायमीटर, जो कॉयल का डायमीटर है वो आपके पास 150 mm है, ठीक है? और उसके बाद आपके पास जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो 24 है, n, n की वैल्यू 24 है, ठीक है? अभी इस क्वेश्चन में हुआ क्या कि एक वेट है 200 N का, ठीक है, वो किसी हाइट h से सपोज करो फॉल किया, ठीक है, वो जाके स्प्रिंग से टकराएगा, ठीक है, उस वेट के कारण, ठीक है, ये स्प्रिंग है आगे कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है, ये स्प्रिंग है, मान लो कि वो डेल्टा कंप्रेस हो गया, ठीक है, तो फाइनली जो वेट है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ये सिचुएशन हुई है, ठीक है, तो अभी हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि ये हाइट, कि ये जो स्प्रिंग है, ये जो वेट है वो कितनी हाइट से फॉल किया है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है एच, ठीक है, द हाइट फ्रॉम विच द वेट हैज फॉलन, ठीक है, तो इसमें हमें वेट की वैल्यू गिवन है, हमें उसे पी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, जो वेट आपके पास यहाँ से फॉल कर रहा है, पी इज 200 N, ठीक है, 200 N, ओके, तो उसके कारण जो डिफ्लेक्शन आई है डेल्टा वो आपके पास है दिस 100 mm, ठीक है, तो देखो जितना ये वेट नीचे आएगा, ठीक है, मतलब जितनी ये पोटेंशियल एनर्जी को लूज करेगा, जितनी ये पोटेंशियल एनर्जी को लूज करेगा उतनी एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, तो इसने कितनी पोटेंशियल एनर्जी लूज की, अगर हम इसे उस वे में सोचें, एनर्जी कंजर्वेशन का कंसेप्ट हम यहाँ पे लगाएं, ठीक है, तो देखो ये लोड है, ठीक है, लोड ने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने एक तो एच हाइट नीचे आया है, उसके बाद स्प्रिंग भी कॉम्प्रेस हो गया बाय डेल्टा, ठीक है, तो टोटल ये कितना डिस्टेंस नीचे आया इस पॉइंट से, ये एच प्लस डेल्टा, ये एच प्लस डेल्टा नीचे आया है, ठीक है, तो अगर हम देखें तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लोड वो आपके पास आ जाएगा वैल्यू ऑफ द लोड पी इंटू एच प्लस डेल्टा, ठीक है, तो ये आपके पास फोर्स आ गया, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आप इसे वर्क भी बोल सकते हो और आप इसे पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हो, ठीक है, तो जितनी ये डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है ये सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी इन द स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, तो जितनी भी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा तो वो आपके पास स्टोर हो जाएगा, वो आपके पास इक्वल टू होगा स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, और जो स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग होता है वो होता है हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन, ठीक है, लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे नोट करनी है कि यहाँ पे जो लोड आपको लेना है ये लोड आपको इतना नहीं लेना जो आपके पास लोड फॉल कर रहा है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड के लिए, दिस फॉर्मूला इज फॉर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी P की वैल्यू रख दोगे तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये P, अगर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम क्या बोल रहे हैं कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू स्ट्रेन एनर्जी स्टोर, ठीक है, तो बेसिकली आपके पास ये चीज बनेगी P इंटू एच प्लस डेल्टा, ये चीज आपके पास इसके बराबर होगी इक्वल टू हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन, तो हमें ध्यान बेसिकली किस चीज का रखना है कि ये जो लोड है ये पी नहीं है, क्योंकि पी लोड है जो लोड फॉल कर रहा है, ठीक है, ये एक आपके पास इंपैक्ट लोड है, दिस इज अ इंपैक्ट लोड, ठीक है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है दिस इज फॉर ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, तो यहाँ पे जो लोड लगेगा वो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड ही होगा, तो हमें बेसिकली क्या करना होगा, सबसे पहले हम ये जो क्वांटिटीज गिवन है इन्हें यूज करके हम एक ऐसा लोड निकालेंगे जो कि अगर ग्रेजुअली हम अप्लाई करें और स्प्रिंग में कितना डिफ्लेक्शन आए जो आपके पास गिवन है ये 100 mm का,
ठीक है, सबसे पहले हमें क्या काम करना है, हमें इस लोड की वैल्यू निकालनी है। ये लोड कौन सा है कि ये एक ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है जो कि हम इस स्प्रिंग पे लगाएंगे, जिसके कारण स्प्रिंग में 100 mm का डिफ्लेक्शन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद इस लोड को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो आपके पास पी की वैल्यू भी है, देन डेल्टा की वैल्यू भी है, लोड हम निकाल चुके होंगे और डेल्टा आपके पास है। ठीक है, तो उसके उससे हम आप एच निकाल सकते हो बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको ये लोड निकालना है। ये लोड है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, ठीक है, जो आपके पास डिफ्लेक्शन दे रहा है 100 mm की। ठीक है, तो इसे आप फाइंड कर सकते हो फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला ऑफ डिफ्लेक्शन देखें, डेल्टा का आपके पास फॉर्मूला होता है 64 W r³ n अपॉन जी डी रेस टू पावर 4। ठीक है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आप चलो तो आपके पास देखो डेल्टा की वैल्यू भी है, ठीक है, आर की वैल्यू इस डी से आ जाएगी, ठीक है, हाफ करके। ठीक है, एन एन आपके पास है 24, जी की वैल्यू आपके पास गिवन है 9 × 10⁴। ठीक है, और डी स्मॉल डी की वैल्यू भी आपके पास है। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। डिफ्लेक्शन आपके पास 100 है, 100 इक्वल्स टू 64 × W आपको फाइंड करना है। आर आपके पास आ जाएगा D/2, कैपिटल डी बाई टू, कैपिटल डी इज 150/2 रेस टू पावर 3 इंटू एन इज 24 डिवाइड बाई जी इज 9 × 10⁴ इंटू डी, डी इज 15 रेस टू पावर 4। ओके, तो टर्म्स को रीअरेंज कर लेते हैं, आपके पास W की वैल्यू आ जाएगी W इक्वल्स टू 100 इंटू 9 इंटू 10⁴ इंटू 15 रेस टू पावर 4 डिवाइड बाई 64 इंटू 150/2 रेस टू पावर 3 इंटू 24। ठीक है, तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया 100 इंटू 9 इंटू 10 रेस टू पावर 4 इंटू 15 रेस टू पावर 4 डिवाइड बाय 64 डिवाइड बाय 150 डिवाइड बाय 2 रेस टू पावर 3 डिवाइड बाय 24। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करके आपके पास आ गया 703.125 न्यूटन्स। ठीक है, तो अगर आप देखो जितना इफेक्ट ये 200 न्यूटन किसी एच हाइट से फॉल करके ये डाल रहा था, उतना इफेक्ट ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, अगर आप इस लोड को ग्रेजुअली अप्लाई करते हो 703.125 को, अगर आप इसे ग्रेजुअली अप्लाई करते हो तो ये इतना इफेक्ट इस पे प्रोड्यूस करेगा। कि मतलब ये 200 न्यूटन को अगर आप एच हाइट से गिरा देते हो तब इसमें डिफ्लेक्शन कितनी आती है 100 न्यूटन की, और सेम डिफ्लेक्शन हमें ऑब्टेन हो सकती है अगर आप 703 इस लोड को ग्रेजुअली अप्लाई करते हो, तो जस्ट यहाँ पे ले जाके रख देते हो। ठीक है, ओके, तो ये इसका इक्विवेलेंट है इन द फॉर्म ऑफ ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ठीक है, तो अभी आपको ये सारी टर्म्स यहाँ पे रख देनी है इस इक्वेशन में। ठीक है, जो एक एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन है, तो उससे आपके पास एच फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो लेट मी रब दिस। ठीक है, तो जो हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन है कि पी इंटू एच प्लस डेल्टा इक्वल्स टू हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जो टर्म्स हमारे पास गिवन है हम इसे पुट कर देते हैं। पी हमारे पास 200 है, एच हमें फाइंड करना है, डेल्टा इज 100। ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 इंटू डब्ल्यू आपके पास आया था 703। ओके, एंड डिफ्लेक्शन इज 100 अगेन। ओके, तो हमने इसमें डिफ्लेक्शन को mm में ही रखा है, बिकॉज आपके पास जो एच आ जाएगा वो भी mm में ही आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इन न्यूटन, दिस इज इन mm, तो यहाँ पे भी ये न्यूटन और ये mm में है। ठीक है, तो ये डिमेंशनली कंसिस्टेंट है, तो आपको इसे चेंज करने की जरूरत नहीं। सॉरी, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, दिस इज 200 एच प्लस 100। ओके, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एच प्लस 100 ये आपके पास आ जाएगा 1/2 703 इंटू 100 अपॉन 200। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और एच आपके पास आ जाएगा 703 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस 100। तो लेट मी सॉल्व दिस। 703 डिवाइड बाय 4 माइनस 100, तो ये सॉल्व करके आपके पास आ गया 75
0.75 mm. ठीक है, तो जब आपके पास हाइट थी, जिस हाइट से हमने इसे फॉल करवाया था, ये इसकी वैल्यू आपके पास आ गई 75.75 mm. ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस न्यूमेरिकल. अगर आपको समझ में कुछ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपने की जो भी क्वेरीज हैं आप उसे पूछ सकते हो.